जश्न ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट एवं अल-फजर कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में सेक्रेटरी मस्जिद के सामने शाही लंगर का एहतमाम किया गया। शाही लंगर में दोनों कमेटियों के पदाधिकारियों ने अपनी सेवाएं दी और जुलूस में शामिल होने वाले लोगों को लंगर वितरित किया। पैगंबर साहब के जन्मदिन यानी जश्न ईद मिलाद-उन-नबी के रूप में मनाते हुए मुस्लिम कौम के द्वारा कई प्रोग्राम शहर भर में किए गए। इसी कड़ी में जश्न ईद मिलाद-उन-नबी सरकार की आमद पर सेक्टर 6 मस्जिद के सामने भी छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट व अल-फजर कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में शाही लंगर का अहतमाम किया गया। इस शाही लंगर में छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट एवं अल-फजर कमेटी के पप्पू खान, हाजी कलाम खान, बाबा खान, इरफान खान, मोइजा खान, इनायत अली व अज्जू अहमद चौहान ने शामिल होकर जुलूसे मोहम्मदी में शामिल लोगों को जलेबी, आइसक्रीम, फल फ्रूट व लंगर तकसीम किया। साथ ही यहाँ समाज सेवी व कांग्रेस के वरिष्ठ अरुण सिसोदिया भी शामिल रहे और उन्होंने भी अपने यहाँ पर सेवाएं दी। करने का काम करता है और इंसानियत को अगर इंसानियत से जोड़ रहे हैं तो ये ऐसे त्योहारों में हर धर्म के लोगों को सहभागिता निभानी चाहिए। हम यहाँ पे अपने साथियों के साथ एक छोटा सा लंगर आयोजित करके लोगों को सेवा भाव से काम कर रहे हैं। सारे जो आयोजन समिति है साधुवाद के पात्र है कि ऐसे मुबारक मौके पे सब भाईचारा का पैगाम दे रहे हैं। आज मैं पहले तो भिलाई के तमाम पहले शहरवासियों को जश्न मिलाद की मुबारकबाद पेश करता हूं और हम लोग लगातार कई वर्षों से ये लंगर तस्कीम कर रहे हैं। इस साल हमने कुछ यूनिक सोचा है, शाही लंगर का इंतजाम किया गया है जिसमें जलेबी रखा गया है, आवाम को बांटा जा तस्कीम किया जा रहा है, शादी पुलाव है और भी सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तस्कीम कर रहे हैं। आवाम यहाँ पर कई सारे वर्षों बाद लॉकडाउन के बाद आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा है और हमने चैन के लिए दुआ भी मांगी है और इसी तरह आज हमारा लंगर तस्कीम हो रहा है। दुआ ये करते हैं कि हमारे उम्मत पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर हम चाहते हैं कि देश में अमन शांति और चैन हो और जो नफरत की राजनीति हो रही है वो बंद होनी चाहिए। यह हम आपको बता दें कि जश्न ईद मिलाद-उन-नबी पर निकले जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग कसीर तादाद में शामिल थे। वही जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था को काफी पुख्ता रखा गया था। CSP नजर सिद्दीकी ने स्वयं मॉनिटरिंग कर चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था विभाग की ओर से यहां पर रखी थी। यहां पर प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है और सभी जुलूस के साथ आगे पीछे उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग पार्टी फिक्स और थाने के जो जहां पर मस्जिद के पास में सुरक्षा के पूरे इंतजाम कराए गए हैं। आम जनमानस का कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में ईद मिलाद-उन-नबी का त्यौहार लोग मना रहे हैं और पुलिस प्रशासन बहुत है। मेरी तरफ से भी ईद मिलाद-उन-नबी की सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। बीते 2 साल कोरोना के भेंट चढ़े 30 त्योहार के बाद अब स्थिति सामान्य होते ही रौनक लौट चुकी है और पर्वों में जुलूसों में रौनक लौटी दिखाई पड़ रही है। बहरहाल जश्न ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर मुस्लिम कौम के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। वहीं शाही लंगर में भी काफी तादाद में लोग पहुंचे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।